हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं बेवी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, 10th और 12th के बाद आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th और 12th के बारे में। अभी रिसेंटली सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया 10th और 12th का। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अब्रॉड स्टडी करना है 10th के बाद, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसको 12th के बाद अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए। तो दोनों स्ट्रीम के बच्चे को अगर स्टडी के लिए बाहर जाना है तो सबसे पहला उनका स्टेप होता है एग्ज़ाम। जैसे 10th के बाद 11th 12th होता है, ठीक है। 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है, आइदर बायोलॉजी में जाना हो या फिर इंजीनियरिंग में जाना हो। तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसी तरह से आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए एक कंट्री में एंट्री लेने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो प्रिपरेशन होती है जो एग्जाम की, वो दो टाइप की एग्जाम होती है। एक होती है आईएलस और सेकेंड होती है टॉफल। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आईएलस के बारे में। आईएलस एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, पहले बिफोर 3-4 ईयर ऑफलाइन एग्जाम चल रही थी, बट अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही है। आईएलस के अंदर टोटल 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग, फिर राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। चारों पार्ट का इक्वल लेवल के मार्क्स होते हैं। जो मार्क्स आते हैं उसको बैंड काउंट करते हैं, और ओवरऑल बैंड उनके 6 या 6.5 बैंड आ जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो चारों पोर्शन आप ऑफलाइन में भी ले सकते हो और ऑनलाइन में ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन में कम्फर्टेबल है, आप अच्छे से जो राइटिंग पार्ट है उसमें आपकी स्पीड अच्छी है टाइपिंग की, तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। और ऑफलाइन जाते हो तो आपको रिजल्ट 13-21 डेज में आता है, और ऑनलाइन जाते हो तो आपको 4-5 डेज में मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट ऑनलाइन में मिल जाता है आईएलस का। और उनका जो मिनिमम होता है वो 6 बैंड होता है। वो 6 बैंड आने के बाद आपको कोई भी कॉलेज में एंट्री मिलने का एक लेवल का चांसेस हो जाता है, बट 6.5 और उससे ऊपर वाले जो बैंड होते हैं उसके अंदर आपको कॉलेज में काफ़ी कोर्सेज में सिलेक्शन मिल जाता है बिकॉज ऑफ बैंड स्कोर आपके अच्छे हैं, और इसकी वजह से आपका इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो एक लेवल मैच कर जाता है। तो एडमिशन्स के लिए आपके पास ओपन कैटेगरीज काफ़ी हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी कंट्रीज में आपको एंट्री मिल जाती है। तो उसके बैंड हर एक के अंदर इक्वल लेवल के आते हैं, लाइक 5 बैंड है, 6 बैंड है, और इसका कैलकुलेशन होता है कि हर एक में 6 बैंड आता है तो ओवरऑल आपका 6 बनता है, और एक में 6.5 आता है तो उसके हिसाब से कितने बैंड बनते हैं वो स्कोर कार्ड पे काउंटिंग होता है। तो उस हिसाब से आपके बैंड काउंट होते हैं, और जैसे आपके बैंड आ जाते हैं वो बैंड की वैलिडिटी रहती है 2 ईयर की। यानी अभी आपने एग्जाम दे दी आईएलस की, पर इस साल आपका कोई सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से या कुछ भी इश्यू की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो या आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स आईएलस के जो भी बैंड स्कोर होते हैं वो 2 ईयर की उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर आप इस साल नहीं कर सकते हो अप्लाई, तो नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टॉफिल के एग्जाम के बारे में। टॉफिल इज सिमिलर टू आईएलस, बट उसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। पर यहाँ पे जो डिफरेंस करती है ये एग्जाम, उसमें आपके पूरे नंबर्स मार्क्स के हिसाब से काउंटिंग होते, जैसे आईएलस में बैंड के हिसाब से काउंट होता है। ये एग्जाम ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन होती है, पर उसमें थोड़ा उल्टा है। ऑनलाइन एग्जाम 4 घंटे की रहती है और ऑफलाइन एग्जाम 3 आवर की रहती है। तो 3 आवर की एग्जाम आपको लेनी है तो आप ऑफलाइन जाके टेस्ट दे सकते हो, और ऑनलाइन में 4 घंटे का आपका पूरा टास्क रहेगा। हर टास्क का 1-1 आवर आपको मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट करना रहेगा, और इसकी भी वैलिडिटी 2 ईयर की होती है। लेकिन उसमें मार्क्स कैसे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। टॉफिल के अंदर अगर आप इंटरनेट बेस पे जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो उसका आपको मैक्स होता है 120 स्कोर होता है, जिसमें से आप 85-95 के बिटवीन आप लाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे कोई भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। और अगर आप पेपर बेस्ड जा रहे हो तो आपके पास 310-677 तक की रेंज होती है, उसके अंदर 550 के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं तो आपके पास कॉलेज सिलेक्शन के रेंजेस बढ़ जाते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कितने नंबर्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, वो नंबर्स आप क्रैक कर लेते हो तो आपकी एंट्री लेवल की प्रिपरेशन रेडी हो गई है। तो दोनों एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों की वैलिडिटी 2 ईयर की होती है।
उसके बाद उसमें चार पोर्शन होते हैं जहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि आप कितने आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है चारों सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ जो कंट्री में आप जा रहे हो वो कंट्री की लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश होती है. तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको ये लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आप कितने ईजिली वहाँ पर सेट हो सकते हो वो लैंग्वेज को लेके. तो आपका जो भी चैलेंजेस होता है स्टडी के अलावा जो भी वहाँ की लोकेलिटी को फेस करने के लिए वो कम हो जाएगा. बिकॉज ऑफ टेंथ और ट्वेल्थ की बात हम कर रहे हैं आज के वीडियो में, तो इसमें जो भी स्टूडेंट होते बच्चे वो बहुत छोटी उम्र के होते हैं, तो उसके लिए उनको लैंग्वेजेस अगर समझ में नहीं आएगी तो उनको सर्वाइव करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज ऑफ यहाँ से वो पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, दैट्स वाई ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो अगर आपका ये फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है. नेक्स्ट फेज के अंदर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना, बिकॉज ऑफ आपके पास आपके बैंड कार्ड या फिर स्कोर कार्ड, ये दोनों आप दोनों में से जो भी आपने एग्जाम दी है उसके हिसाब से आपके पास रिजल्ट होगा. उसको लेके आपको नेक्स्ट फेज में जाना है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी कंट्री में जाना है, कौन से कोर्सेज लेना है, वो सेकेंड पार्ट होता है. अगर आपको ये पार्ट के बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ. जय हिंद.